मंगो पीर कराची शहर के पुराने इलाकों में गिना जाता है। 13वीं सदी में आज का कराची सिर्फ चंद फैले हुए छोटे मछेरों के गांव पर मुश्तमिल था। उन दिनों मंग्रोव के जंगलात घने थे और इस वजह से बहुत से नायाब परिंदे इन दरख्तों में अपना घोंसला बनाते थे। किनारे का पानी साफ और हवा हल्की और नमकीन थी। इस इलाके में पीर साहब आए मगर उन्होंने अपना घर गांव या समंदर के करीब नहीं बनाया। वो हिंदुस्तान से मुल्तान के रास्ते होते हुए एक बंजर मैदान में आकर रुके। गांव वाले डरते थे मगर पीर मंगू झील में उतरकर मगरमच्छों को खाना खिलाते थे। पीर साहब के किस्से मशहूर होना शुरू हो गए कि उन्होंने जुओं से मगरमच्छों को बनाया। उनके गुजरने के बाद लोगों ने मजार बना दिया और इन मगरमच्छों को खाना खिलाने दूर दूर से आने लगे और पीर साहब मगरमच्छों के लिए जश्न होता। आज का कराची कोई मच्छेरों का गांव नहीं, आज ये करोड़ों लोगों का घर है। ट्रैफिक भरपूर और हवा आलूदा है। कई मंग्रोव के जंगलात इमारतों के लिए काट दिए गए हैं। किनारे का पानी ऑयल से काला पड़ गया है लेकिन ये झील आज इस शहर के आमदोरफ्त के बीचों बीच मौजूद है। मंगो पीर कुछ साल पहले यहाँ हमला होने की वजह से मजार को बंद कर दिया गया था। अब भी कुछ मुरीद आते हैं यहाँ मगर पहले की तरह नहीं। इन मगरमच्छों के शहरी माहौल की वजह से खुराक का जरिया अब यही लोग बनते हैं। मैं कराची की बहुत मुख्तलिफ किस्म की कहानियों के साथ बड़ी हुई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए अपनी कहानी बना रही हूँ, चाहे वो कचरा उठाना हो या प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना या सड़क के करीब दरख्त लगाना। मैं मेरे कराची के लिए कर रही हूँ।